स्टार्ट करते हैं यारों, आपका एक नया सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपके थर्ड पेपर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का, और सीए इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट रखा है। इसका ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, फिर मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। इस सब्जेक्ट को पढ़ के आप लोगों को टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन टू एस्टेब्लिश कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड यूज देम टू डिटरमाइन प्राइसेस। ये सब्जेक्ट को पढ़ के आप लोगों को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकालना सिखाना है। कॉस्ट निकालने के बाद उसमें प्रॉफिट प्लस करके सेलिंग प्राइस। तो बेसिकली ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सीए इंस्टीट्यूट का कि आप लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट सिखाया जाए, सो डेट उस कंसेप्ट को यूज करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट्स या सर्विस सेक्टर पे है तो सर्विस का कॉस्ट निकाले, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस। और भी ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का टू एबल टू अंडरस्टैंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। सभी स्टेटमेंट के बारे में कुछ नॉलेज आपको मिले, कोई स्टेटमेंट बना के दे तो आप उसे पढ़ सके। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू एबल टू अप्लाई द इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट एसरटेनमेंट प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट करता है मैनेजरियल लेवल पे। प्लानिंग बिजनेस का प्लानिंग, बिजनेस का कंट्रोलिंग, बिजनेस का डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट करते हैं। इन मैनेजमेंट को ये काम करने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टेटमेंट्स चाहिए। तो आप जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हेल्प करेगा, मैनेजमेंट को हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? कॉस्ट एसरटेनमेंट पे, प्लानिंग पे, कंट्रोल पे, डिसीजन मेकिंग पे। मैनेजमेंट को डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस प्लानिंग करने के लिए बहुत डिसीजंस लेना पड़ता है और सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ता है। इनके लिए बहुत सारे इनपुट्स चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में आप लोग को सिखाया जाएगा किस तरह से वो स्टेटमेंट्स बनाकर मैनेजमेंट को हम लोग हेल्प करेंगे। तो ये हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट, एंड फर्स्ट टू हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट, और दोनों मिलकर ये सब्जेक्ट बन जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग ही रहता तो बेसिकली ए और बी ही ऑब्जेक्टिव रहता, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज निकालो और कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाना। सिंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आ गया आपके सिलेबस में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे बेसिकली आपको सिखाया जाएगा। मैनेजमेंट को काम करने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन आपको ही प्रोवाइड करना होता है। वो सारे स्टेटमेंट्स बनाना, इन्फॉर्मेशन देना आप सीखोगे, ये ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले अकाउंटिंग के बारे में मैं समझाता हूं। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के ट्रांजेक्शंस, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शंस है उसका रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद स्टेटमेंट्स बनाना, रिपोर्टिंग करना, यही है अकाउंटिंग। बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उसका रिकॉर्डिंग करके स्टेटमेंट्स बनाना। लाइक 11 पे आप लोग पढ़े थे, 11-12 पे बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है उसका जर्नल लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बना के रिपोर्टिंग करते हैं, ये है अकाउंटिंग।
कोई भी अकाउंटिंग का सिंपल मीनिंग है बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट और रिपोर्ट बनाना। इसी अकाउंटिंग को हम तीन पार्ट में पार्ट दे रहे हैं। एक को बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड आने से ही आप सोचना, ओ सर बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड रखना और स्टेटमेंट पीएल। अलग अलग जगह अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने 11-12 में पढ़ा था, यहाँ पे बिजनेस के इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल का रिकॉर्ड करते और साल के लास्ट में पीएल बैलेंस शीट बना के पूरा हिसाब किताब लोगों तक प्रेजेंट करते। पीएल बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट ही है, लेजर भी बना के दिखा देते हैं, कैशबुक भी बना के पार्टी तक पहुंचाते। ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव जो आप सीख लियो। इसके बाद एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी यही काम है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना, लेकिन बेसिकली यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करके उससे स्टेटमेंट बनाकर हम लोग मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, सो दैट मैनेजमेंट इनसे डिसीजन मेकिंग, इनसे प्लानिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, कंट्रोल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजमेंट के हेल्प के लिए है। और मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए हम लोग इनकम तो नाम का ही है, एक्सपेंसेस का ही इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करते और उससे प्रोसेसिंग करने के बाद स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स बनाकर मैनेजमेंट को देते, सो दैट मैनेजमेंट को बिजनेस के एक्टिविटीज का प्लानिंग करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो हम लोग इनपुट्स उन्हें फीड करते हैं। मैनेजमेंट को डे टू डे डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस के एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए भी उन्हें बहुत सारे इनपुट्स इंफॉर्मेशन चाहिए। ये आप जैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स बनाकर हेल्प करते हैं। इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से आप लोग सीए फाइनल पे पढ़ेंगे, वहां पे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर का नाम है, और पहले बोलते थे एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल का नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल का नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करता है। एसेट्स लायबिलिटीज एक्सपेंसेस इनकम कैपिटल वो तो पीएल बैलेंस शीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटीज नहीं, यहाँ पे सिंपल इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करके प्रॉपर स्टेटमेंट रिपोर्ट्स देंगे मैनेजमेंट को, सो डेट मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन इन रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग भी होता है, कंट्रोल। अकाउंटिंग का मतलब समझा रहे थे आप लोगों को, सिंपल बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट रिपोर्ट बनाना और बना के लोगों तक पहुंचाना, सो डेट लोग उसे यूज कर सके। सर इसके तीन ब्रांचेस है? हाँ तीन ब्रांचेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम करते, यहाँ पे तो 11-12 पे आपने जो किया था वही है, सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करके पीएल बैलेंस शीट बनाना। और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताया, यहाँ भी हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्ड करेंगे, बेसिकली एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल से इंटरेस्टेड नहीं है, ओनली इनकम और एक्सपेंसेस, और मेनली एक्सपेंसेस पे फोकस रहते और एक्सपेंसेस का प्रोसेसिंग करके प्रॉपर स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बनाकर अपने मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, सो डेट मैनेजमेंट को हम लोग हेल्प कर पाए प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग। आप लोग पढ़ोगे आगे। सर प्लानिंग मतलब आप बोल सकते हो मैनेजमेंट को बजट बनाना होता है, मैनेजमेंट को बिजनेस का बजट बनाना होता है। बजट बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए बजट, तो बजट बनाने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए। आप लोग को सिखाया जाएगा यहाँ पे छोटा छोटा बजट्स बनाना और बजट बनाने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करना होता है, लाइक
मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, दो तीन टाइप के मटेरियल्स है इस प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मैं सारा मटेरियल्स तो यूज नहीं करूंगा, दो तीन में से किसी एक को सेलेक्ट करूंगा। तो मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना है कि कौन सा मटेरियल यूज करना है, तो आप इन्फॉर्मेशन दे दोगे सारे सप्लायर्स का, सारे मटेरियल्स का, फिर मैनेजमेंट उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेगा। प्रोडक्शन करने के बहुत सारे टेक्निक्स है, सारी टेक्निक्स को इवेल्युएट करके आप मैनेजमेंट तक पहुंचा दोगे, फिर मैनेजमेंट विल टेक प्रॉपर डिसीजन। तो इस तरह से आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हो। बहुत सारे इश्यूज है। अब जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट, फिर से अकाउंटिंग का मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बनाना एंड कंसर्न पर्सन तक पहुंचाना। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकता है जो आप 11, 12 में पढ़े थे, इसका ऑब्जेक्टिव है पीएल बैलेंस शीट बना के बिजनेस का रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन। अभी अभी एक नया सीखे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हो सकता है, ये बेसिकली इनकम एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बनाकर मैनेजमेंट को देते, सो डेट मैनेजमेंट कैन टेक मैनेजमेंट मेरे को हेल्प करेंगे प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कंट्रोल पे। एंड नाउ अब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पे चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट दो तीन क्लासेस पे यही चलेगा बेसिक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग भी वही है, यहां भी इनकम और एक्सपेंसेस का ही रिकॉर्ड रखते, इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल का इससे कोई मतलब है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही उनसे मतलब है। ये तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है, कॉस्ट अकाउंटेंट को एसेट्स लायबिलिटीज से कोई मतलब नहीं है। यहां पे इनकम और एक्सपेंसेस का ही प्रोसेसिंग होगा, इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करके यहां भी हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स बनाएंगे। रिपोर्ट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव है हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकालेंगे, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, किसी भी प्रोडक्ट सर्विस या एक्टिविटी का प्रॉफिट निकालेंगे, और थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट को भी हेल्प करते डिसीजन मेकिंग पे, और कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में बिजनेस का इनकम एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करके वेरियस स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स बनाएंगे, सो डेट हम लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकाल पाए, सेलिंग प्राइस निकाल पाए, हमारा जो काम है उसका प्रॉफिट्स निकाल पाए, और मैनेजमेंट को हेल्प भी करे डिसीजन मेकिंग पे। और कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच बिगिन्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग है जिसमें सिर्फ आप इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते हो, उससे बहुत सारे स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स बनाते हो, सो डेट आप उस स्टेटमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकाल पाए, सेलिंग प्राइस निकाल पाए, प्रॉफिट्स निकाल पाए, सो डेट उस स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट से मैनेजमेंट को हम हेल्प कर पाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे। और आज का मॉडर्न जमाना बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। कस्टमर्स को, आजकल के जमाने के कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, सस्ता दाम चाहिए, इतने कॉम्पिटिशन से ऑलमोस्ट सबके क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। जो प्रोडक्ट सस्ता होता है आप उसी के साथ जाओगे। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम किस तरह से अपने कॉस्ट को कंट्रोल करें, किस तरह से अपने कॉस्ट को रिड्यूस करें, सो डेट कॉस्ट कंट्रोल और रिड्यूस होगा तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कम जाएगा। आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कमेगा तो सेलिंग प्राइस कमेगा, सेलिंग प्राइस कमेगा तो आपका डिमांड बढ़ेगा, इससे आप मार्केट में रह पाओगे और आपके प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इन सभी काम, इन सभी पॉइंट्स को कवर करता है। और आपका सिलेबस, आपका कॉस्टिंग का सिलेबस का 60% फर्स्ट थ्री टॉपिक पे ही है, 60 या 70% फर्स्ट थ्री टॉपिक पे कॉस्ट सेलिंग प्राइस प्रॉफिट,
यही करते करते आपके सीए इंटरमीडिएट का 60% सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो यही है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने अकाउंटिंग से शुरू किया, आप जानते थे बिजनेस के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना और रिकॉर्ड रखकर स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बनाना एंड कंसर्न पर्सन तक पहुंचाना, सो डेट वो लोग उसे यूज करे। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकता है जो आप पढ़ के आए थे, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हो सकता है जो आप थोड़ा यहाँ पढ़ोगे और थोड़ा फाइनल पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली डिजाइन फॉर मैनेजमेंट, फॉर हेल्प टू द मैनेजमेंट, प्योरली इंटरनल पर्पज के लिए। मैनेजमेंट को हेल्प करना चाहते हैं हम लोग प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल के लिए। और फिर हम लोग हमारा जो आज का सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, वहां पे आ गए। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्डिंग ऑफ पूरा अकाउंटिंग का ही काम है, अकाउंटिंग का ही डेफिनेशन एक ही है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। एग्जाम में अगर पूछे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव से ही कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको पता चल गया। यही है पांच कॉस्ट अकाउंटिंग। पूरे आप जितने भी क्लासेस पढ़ोगे 100 मार्क्स का, ऑलमोस्ट इन पांच ही टॉपिक पे रहोगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। क्या क्या टॉपिक है? कॉस्ट निकालना है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। अगर पेन का बात करें तो प्रोडक्ट्स है, कोचिंग में दे रहा हूं उसका बात करें तो सर्विसेज है। सेलिंग प्राइस भी निकालना है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करके सेलिंग प्राइस डिसाइड करते। जब आप मोनोपोली हो, कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तब तो सेलिंग प्राइस आप ही डिसाइड करते हो। बट मार्केट में जब बहुत कॉम्पिटिशन है तो सेलिंग प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। आप अपने हिसाब से तो सेलिंग प्राइस रख नहीं सकोगे, कॉम्पिटिटर्स भी है। तो सेलिंग प्राइस का बहुत सारे इश्यूज है। आपका ऐसा प्रोडक्ट है वैसा मार्केट में नहीं है, कोई नहीं बनाता, दूर दूर तक आपके पास कोई नहीं है, तो यू विल बी डिसाइडिंग योर सेलिंग प्राइस। बट बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो सेलिंग प्राइस तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत टॉपिक है। प्रॉफिट, दुनिया में कोई भी काम करता है एक ही ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट का, तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हेल्प करते हैं प्रॉफिट्स निकालने पे। कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को भी हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे। एंड अल्टीमेटली आज के मॉडर्न बिजनेस सिनेरियो पे आपको जीना है, सर्वाइव करना है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट और सस्ता, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये भी इम्पोर्टेंट रोल है। किस तरह से हम लोग अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट को कंट्रोल करें और रिड्यूस करें, सो डेट कॉस्ट कमेगा, सेलिंग प्राइस कमेगा और डिमांड बढ़ेगा। दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक कॉस्ट कैलकुलेशन करना है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे हेल्प करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो अल्टीमेटली कॉस्ट अकाउंटिंग पे कॉस्ट ही करते रह जाओगे। तो अब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ लिए, अब इसे बुक से मार्किंग कर देता हूं, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, फिर हम लोग कॉस्ट के पीछे चलेंगे। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट करते करते 2 क्लासेस में ले लूंगा और 2 क्लास में आप कॉस्ट का मीनिंग समझ लेंगे तो पूरा सब्जेक्ट आपको लगेगा कि ये मेरा जाना पहचाना है। देखिए आपके बेसिक कंसेप्ट, सिलेबस अभी मैं नहीं बता रहा, पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। बेसिक कंसेप्ट में थर्ड पॉइंट होगा मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मिला क्या? मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका थर्ड वाला पॉइंट समझेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिन्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है कॉस्ट का। इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फॉर एसरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट।
ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग है ओनली कॉस्ट का, जिसपे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस ओनली, जिसपे इनकम और एक्सपेंसेस। ऐसे आप जो अकाउंटिंग पढ़ के, वो बहुत बड़ा है, उसमें एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल सब कुछ आता था, वहां पे फाइनेंशियल पोजिशन भी जानना था जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, और फाइनेंशियल पोजिशन और रिजल्ट भी जानना था। कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल पोजिशन जानना ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट जानना है, प्रॉफिट लॉस। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करना करते हैं। और अल्टीमेट क्या होता है, हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो आप लोग बीकॉम में कॉस्ट शीट वगैरह नाम सुने होंगे, स्टेटमेंट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, क्यों? एसरटेनिंग कॉस्ट, एसरटेनिंग कॉस्ट, अपने कॉस्ट अकाउंटेंट्स इनकम एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखकर स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सो डेट कॉस्ट अकाउंटेंट्स कॉस्ट निकाल पाए किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज का, सेलिंग प्राइस निकाल पाए, प्रॉफिट निकाल पाए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे और कॉस्ट को कंट्रोल भी करे। यही है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे उसके बाद रिकॉर्ड रखकर वेरियस स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं, सो डेट इन्हीं स्टेटमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू आप कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट निकाल सको, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सको एंड कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है। आजकल के जमाने में जीना है तो कॉस्ट को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। यही है कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम और एक्सपेंसेज एंड एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट रिपोर्ट फॉर एसरटेनिंग कॉस्ट, कंट्रोलिंग कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग, सेलिंग प्राइस। यही है कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। और भी इसी बात को अलग अलग तरीका से बताया गया है। कॉस्ट अकाउंट इज डिफाइंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एस्टेब्लिश ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशनशिप विद कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट आएगा, ये भी डेफिनेशन है। बट थर्ड डेफिनेशन आप लोग को याद रखना है, अकाउंटिंग ही होता है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड अकाउंटिंग होता है रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बनाना विद पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो कॉस्ट अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट्स बनाना, ऑब्जेक्टिव कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट निकालना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना एंड कंट्रोल। तो ये ऑब्जेक्टिव बना कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब हम लोग चल रहे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, जो आपको याद हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा सा आगे चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गया, जब कॉस्ट अकाउंटिंग का थ्योरी याद हो गया तो ऑब्जेक्टिव भी तो याद हो जाएगा। कॉस्ट निकालना था प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, सेलिंग प्राइस निकालना था प्रोडक्ट सर्विसेज का, प्रॉफिट लॉस निकालना था हमारे काम का, कॉस्ट कंट्रोल था, कंट्रोल रिडक्शन था और डिसीजन मेकिंग। ये पांच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके इंटर कॉस्टिंग में थ्योरी बहुत आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एसरटेन कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अभी आपको पता नहीं कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या क्या होते हैं, बस ये समझना कि खर्चा को कंट्रोल करना और खर्चा कम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आगे चलकर मिलेगा। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन और एसरटेनिंग प्रॉफिट, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो ये तो हम लोग शुरू से ही बात करते जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के पांच ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, प्रॉफिट निकालना, मैनेजमेंट को हेल्प करना और कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। लर्न इट, आप लोग इसको याद करना, मैं आप लोग को थोड़ा सा हेल्प कर दिया याद करने पे। तो अब अपने देखे कॉस्ट अकाउंटिंग पे ओनली कॉस्ट 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 ही आ रहा है,
पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पे कॉस्ट 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 ही मिलेगा। तो हम लोग कॉस्ट के डेफिनेशंस पे चलेंगे थोड़े देर पे, थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का रिपीट कर ले, क्या था कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब याद रखना, जब हम लोग अकाउंटिंग करना सीखेंगे कॉस्टिंग का, वहां पे एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं आएगा। मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा, विच बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड एंड्स विथ प्रिपेरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फॉर एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंट्रोल, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। ओके, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन के अंदर ही ऑब्जेक्टिव्स घुसा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी बता दूं। ऐसे तो मैंने कह दिया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक अकाउंटिंग है। बेसिकली ये डिजाइन किया गया है मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए। मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, और मैनेजमेंट को प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, स्टेटमेंट रिपोर्ट्स चाहिए। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते वही उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिजाइन फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट इन कोर्स ऑफ प्लानिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। यही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मॉडर्न कंसेप्ट अकाउंटिंग एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ ऑल सच अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट एक्टिविटीज लाइक डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। ये तो काम ही तीन होता है इनका, इनके लिए बहुत सारे इनपुट्स चाहिए। इन्हें बजट बनाना पड़ता है, इन्हें डिसीजन मेकिंग के लाइक कोई फैक्ट्री सेट करना है कि नहीं, कोई मशीन खरीदना है, कौन सा मशीन खरीदे, किसी बड़ा पार्टी के साथ डील करना है, करे कि ना करे, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते। तो बैठे बैठे उन लोग थोड़ा ना ले सकेंगे, उनको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वेरियस एंगल से चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक एंगल है जो उनको हेल्प करता है। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर मैनेजरियल हेल्प, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल हेल्प के लिए भी है। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट निकालना, कॉस्ट निकालना, वो मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, बट बेसिकली मैनेजमेंट के परछाई बन के नहीं रहता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट का परछाई बन के रहता है, उसके बिना मैनेजमेंट काम ही नहीं कर सकता है। डेफिनेशन भी दिया है सीमा का, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन। द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे सो एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग पॉलिसीज एंड इन डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसी को प्रोसेस करके देता है, उनको हेल्प करता है। ये आपके सिलेबस में इंटर पे नया आया, पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं हुआ करता था सिलेबस पे, पहले ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ करता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी थ्योरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपना अपना पूरा फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग पे करने जा रहे हैं। मैंने सब्जेक्ट का जो दो नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उनके उनके उनका बैकग्राउंड बता दिया, उनपे क्या ऑब्जेक्टिव है बता दिया। अब आपका माइंड सेटअप तैयार रहना पड़ेगा कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या करना है। बेसिकली कॉस्ट ही सेलिंग प्राइस प्रॉफिट निकालना है, और छुटमुट छुटमुट प्लानिंग में हेल्प करना है, और सीए फाइनल पे तो अच्छा से प्लानिंग डिसीजन मेकिंग पे हेल्प करोगे। तो पूरे सब्जेक्ट डेडिकेटेड टू कॉस्ट, पूरे सब्जेक्ट डेडिकेटेड टू कॉस्ट। तो कॉस्ट से जान पहचान करना है, कॉस्ट क्या होता है। पहले अगर मैं आपसे पूछूं, किसी से भी पूछा जाए कॉस्ट क्या होता है, वो प्रॉपरली नहीं बोल सके। कॉस्ट कॉस्ट, वो जो पे किया वो कॉस्ट, ऐसे बोलते हैं। बट कॉस्ट का मतलब होता है
मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. कॉस्ट का डेफिनेशन है, इट इज द मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड, इट इज द मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. अगर मैं प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का बात करूं तो यहां सर्विसेज सर्विसेज है, तो आपको सर्विस देने के लिए कोचिंग सेंटर खरीदा गया है या भाड़े पे लिया गया है, ये रिसोर्सेज है. इसके लिए जो पैसे लगते हैं रेंट, इसके लिए जो खुद का बिल्डिंग होगा तो डेप्रिसिएशन. आप लोग जिस फर्नीचर पे बैठे हो एक रिसोर्सेज यूज हो रहा है, जो मैं लैपटॉप प्रोजेक्टर एसी बुक्स यूज कर रहा हूं, ये सब एक रिसोर्सेज है जो हमने यूज किया है, कर रहे हैं आपको सर्विस देने के लिए. इन सब रिसोर्सेज के लिए जो भी पैसे लगे हैं उसको बोलते हैं मॉनिटरी मेजरमेंट. यहाँ पे सर बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं खड़ा होके पढ़ा रहा हूं, मैं लेबर हूं, मैं एक रिसोर्सेज हूं, मेरे को भी यूज किया जा रहा है प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. मैं अपने काम के लिए पैसा लेता हूं, मैं तो नहीं लेता हूं, फ्री का लेबर हूं. राहुल भैया अपने काम के लिए पैसे लेते हैं, तो इन रिसोर्सेज को यूज किया गया है आपको कोचिंग देने के लिए. इन रिसोर्सेज के मॉनिटरी मेजरमेंट, राहुल भैया जो सैलरी लेंगे, फर्नीचर का खुद का है तो डेप्रिसिएशन, भाड़े पे लाया तो रेंट, और बिल्डिंग खुद का है तो डेप्रिसिएशन, भाड़े पे लाया तो रेंट, ये बिजली बिल, ये प्रोजेक्टर का डेप्रिसिएशन, ये लैपटॉप, ये पेपर्स, ये बुक्स, इन सब का, ये सारे रिसोर्सेज है, ये हम लोग मेन पावर, ये सारे रिसोर्सेज है. इसके लिए जो पैसे लगे हैं उसी को बोलते हैं कॉस्ट. कॉस्ट इज मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड. कॉस्ट इज मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स बनता है. ये पेन जिन्होंने भी बनाया है, इस पेन को बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज यूज किया है. इन्होंने फैक्ट्री यूज किया होगा, मशीन यूज किया होगा, लेबर यूज किया होगा, रॉ मेटेरियल यूज किया होगा, पावर यूज किया होगा, और बहुत सारे खर्चा लगा है. इन सबको कहते हैं रिसोर्सेज. उन रिसोर्सेज के लिए पैसे लगते हैं, पैसे फ्री का माल नहीं होता है. तो इन सबके जो पैसे लगे हैं उस पैसे को ही कहते हैं कॉस्ट. कॉस्ट इज मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड. मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज, जो रिसोर्सेज यूज हुए उसका मॉनिटरी वैल्यू. कहां यूज हुए भाई? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. प्रेरणा ट्यूटोरियल्स पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको जो मैट दिया गया वो भी हमने प्रिंटिंग करवाया, पैसे लगे वो कॉस्ट. इस कोचिंग सेंटर अपना नहीं है, रेंट पे है, ये कॉस्ट. ये फर्नीचर अपना है, इसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट. ये एसी अपना है, इसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट. बिजली बिल लग रहा है, ये कॉस्ट. ऑफिस चलाने का बहुत सारा खर्चा लगता है, ये कॉस्ट. राहुल भैया यहाँ पे आते हैं फ्री में नहीं, वो पैसा लेते हैं, वो कॉस्ट. और जो बुक कुक डीटीपी वाले लोग बनाते हैं, जो इनहाउस स्टाफ है, वो कॉस्ट. आप लोग के एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो कॉस्ट. आप लोग के लिए एक ऑफिस रखा गया, ऑफिस में बहुत सारा इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स वगैरह बहुत सारे है, वहां भी स्टाफ है, वो कॉस्ट. ये सारे रिसोर्सेज यूज किए कॉस्ट. और मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं एक लेबर हूं, मैं मेन पावर हूं, मैं भी एक रिसोर्सेज हूं, मैं सबसे बड़ा रिसोर्सेज हूं. तो मेरे को जो पैसा मिलता है प्रेरणा ट्यूटोरियल से, ये कॉस्ट. ये सबको ही बोलते हैं कॉस्ट. अब लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बुक का पैसा लगता है, बाकी के सारे स्टाफ का पैसा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा लगता है, ऑफिस का बहुत खर्चा लगता है, एडवर्टाइजमेंट का बहुत खर्चा लगता है. ये सारा खर्चा आप लोग को पढ़ाने के लिए 10 लाख रुपया लग गया. और यहाँ पे मैं भी आपको पढ़ाता हूं,
लेकिन मैं प्रेरणा ट्रेडर्स से जीरो सैलरी लेता हूं, राहुल भैया को हर एक महीना सैलरी मिलता है और बिजली बिल भी लगता है, टेलीफोन भी लगता है, नहीं दे दो तीन महीना सैलरी तो काम छोड़ देंगे, बिजली वाले बिजली काट देंगे, टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बट मैं भी पढ़ाता हूं, मेरा सैलरी जीरो है, मेरा सैलरी जीरो है, बट मैं ही सबसे बड़ा रिसोर्सेस हूं, मैं ही सबसे बड़ा रिसोर्सेस हूं। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से कॉस्ट पूछा जाएगा आपको पढ़ाने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे कॉस्ट 10 लाख, बट कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेंगे 10 लाख कॉस्ट नहीं होएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेंगे 10 लाख कॉस्ट नहीं होएगा। सबसे बड़ा जो रिसोर्सेज है उसी को छोड़ दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग पे एक्चुअल कॉस्ट एज वेल एज नोशनल कॉस्ट भी लिया जाता है। जब तक मेरा कॉस्ट नहीं आएगा यहां पे, आपको पढ़ाने का सही कॉस्ट नहीं निकलेगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है रमेश गुप्ता तो कुछ लेता ही नहीं है, वो तो फ्री में पढ़ा रहा है, उसका सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका कॉस्ट जीरो। बट आप जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स, आप जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोलेगा ऐसे कैसे होगा। सबसे बड़ा सबसे हेवी रिसोर्सेस तो रमेश गुप्ता है, टीचर होते वो पैसा नहीं ले रहा है तो क्या हुआ, उसका भी कॉस्ट हम लोग पकड़ेंगे, उसका भी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नोशनल कॉस्ट भी लगता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नोशनल कॉस्ट भी लगता है। अब कॉस्ट अकाउंटेंट पूछेगा रमेश गुप्ता अगर आप कोचिंग नहीं कराते तो क्या करते, मैं जॉब करता कहीं पे, जॉब करते तो आपका सैलरी कितना होता, एक साल में 10 लाख, तो कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा आपको पढ़ाने का कॉस्ट 20 लाख, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा आपको पढ़ाने का कॉस्ट 20 लाख। 10 लाख रुपया जो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने कैश पे किया, खर्चा किया, 10 लाख रुपया जो रमेश गुप्ता अगर कोचिंग नहीं कराता इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, वो कहीं जॉब करता या वो प्रैक्टिस करता वो कमाई करता। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट के नजर पे कॉस्ट 10 लाख ही निकलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल देखते वो 10 लाख बोलेंगे एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोलेंगे 20 लाख। यहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट रोल हो गया आपके लाइफ पे। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखने वाले से पूछा जाए पढ़ाने का कॉस्ट, वो तो जितना खर्चा लगता उतना बोलेगा 10 लाख, और कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछा जाए कितना कॉस्ट, वो सही कॉस्ट बताएगा। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है इस जमाने से। कॉस्ट निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखने वाले बोलेंगे 10 लाख एंड कॉस्ट अकाउंटिंग देखने वाले बोलेंगे 20 लाख। आप कहोगे 20 लाख कैसे कॉस्ट है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स कहेगा कि कॉस्ट में एक्सपेंसेस आता है, वो एक्चुअल भी हो सकता है और नोशनल। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते वो नोशनल कॉस्ट, ये सही कॉस्ट हुआ, ये सही कॉस्ट हुआ। अगर रमेश गुप्ता आपको कोचिंग नहीं पढ़ाता तो वो कहीं नौकरी या प्रैक्टिस करता, पढ़ा लिखा इंसान है, बट उन्होंने आपको कोचिंग देने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया कोचिंग कराने के लिए। तो यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन। जब आपके पास आपके आपके रिसोर्सेज का एक से ज्यादा यूज है, आपके रिसोर्सेज का एक से ज्यादा यूज है, किसी एक में यूज करोगे तो दूसरा सैक्रिफाइस होगा। मेरे टाइम का दो यूज है, या तो मैं कहीं नौकरी करूं या मैं कोचिंग करूं, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। तो मैं एक ही काम किया, आप लोग को पढ़ाने का काम किया। जैसे मैंने आपके पढ़ाने का काम किया, मैंने अपना वो वाला जो जॉब वाला ऑफ जॉब वाला रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। किसी एक काम करने के लिए आपको सैक्रिफाइस करते हो, तो वो जो सैक्रिफाइस किया वो इस काम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। और आप सोचते हो कि भाई आप कोचिंग करवा के कम से कम 20 लाख मिले, कोचिंग करवा के कम से कम 20 लाख मिले। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट से पूछोगे कि 10 लाख खर्चा और फी मिला 11 लाख, तो फाइनेंशियल अकाउंट बोलेगा वाओ 1 लाख का प्रॉफिट, बल्ले बल्ले, 10 लाख खर्चा 11 लाख फी। एंड कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा ना ना ना, कोचिंग बंद कर। कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा 20 लाख खर्चा और फी कितना आया 11, तो बोलेगा आपका 9 लाख तो लॉस ही हो रहा है,
तो कॉस्ट अकाउंटेंट इस बात को ध्यान देता है कि अगर आप नौकरी छोड़ के जॉब नौकरी छोड़ के अगर कोचिंग पे आ रहे हो तो वो जो नौकरी छोड़ के जो पैसा का नुकसान हो रहा है वो भी यहां से रिकवर करे। तो हमेशा कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा 20 लाख से ऊपर का रेवेन्यू हो सकता है तब कोचिंग में रहो, नहीं तो कोचिंग छोड़ो, आप नौकरी करो। या फ्यूचर अभी कम है कोई बात नहीं, फ्यूचर में आपको लगता है कि 20 लाख से ऊपर हो, ये 20 लाख कहां से आया? 10 लाख तो आप जानते थे आज तक 11 12 में 10 लाख तो आप जानते थे सर, जो खर्चा लगा वही तो 10 लाख है। ये 10 लाख कॉस्ट अकाउंटिंग का देन है, ये अभी अभी आया है इस संसार पे, आपके जिंदगी में हमेशा के लिए रहेगा, यही है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का मीनिंग पढ़ा रहे थे बाबू, दो मीनिंग पढ़ाया, एक डेफिनेशन पढ़ाया कॉस्ट अकाउंटिंग का, एक डेफिनेशन था इट इज द मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिस्क, कॉस्ट का डेफिनेशन था इट इज द मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कॉस्ट इंक्लूड बोथ एक्चुअल एज वेल एज नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट को हाईलाइट करना, नोशनल कॉस्ट को हाईलाइट कीजिएगा और नोशनल कॉस्ट के सामने बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं नोशनल कॉस्ट को, या इम्प्यूटेड कॉस्ट, IMPUTED, इम्प्यूटेड कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट ऑब्लिक इम्प्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट ऑब्लिक इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट एक ही होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इस बात को आपको ध्यान पे रखना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, किसी एक काम करने के लिए जो और कुछ सेक्रीफाइस करते हैं वो सेक्रीफाइस बन जाता है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर क्या रोल है इसका? ये रोल है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, 10 लाख खर्चा लग रहा है लेकिन 10 लाख का नौकरी भी छोड़ के आए हो, तो आपको बच्चों से कम 20 लाख रुपया कलेक्ट करना चाहिए, कम से कम 20 लाख, तब नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे। और 20 लाख से ऊपर मिल जाता है तो बल्ले बल्ले, ये आपका ठीक है, आपके लिए अच्छा है, खुशखबरी की बात है, लेकिन 20 लाख से नीचे रहेगा तो नो, नेवर नेवर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही ना रहे तो आप कभी भी कॉस्ट सही तरीका से निकाल नहीं सकते हो। तो अब हम लोग चलेंगे क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहीं पे एग्जाम्पल लिखना, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ कोचिंग 10 लैक्स, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ कोचिंग 10 लैक्स, क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट क्या लिखा, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ कोचिंग 10 लैक्स, और सर सेक्रीफाइस जॉब सैलरी 10 लैक्स, रमेश गुप्ता सेक्रीफाइस जॉब फॉर कोचिंग सैलरी 10 लैक्स, रमेश गुप्ता सेक्रीफाइस जॉब सैलरी 10 लैक्स फॉर कोचिंग, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कोचिंग क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कोचिंग इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना था 10 लाख, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सैलरी ऑफ रमेश गुप्ता 10 लैक्स, सो दिस इज कॉस्ट, ये कॉस्ट है। जब आप लोग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे कभी भी इस सब्जेक्ट पे, तो जो एक्चुअल खर्चा लगता है वो तो लेंगे ही, और कभी मौका मिल जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो उसे भी कंसीडर करेंगे। तो मैंने शुरू किया था कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फॉर एसरटेनिंग कॉस्ट, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट 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 करते करते बोले चलो कॉस्ट देखते क्या होता है, पूरा कॉस्ट ही कॉस्ट बोल रहे। फिर कॉस्ट का डेफिनेशन पढ़ना शुरू कर दिया था, कॉस्ट इज द मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कॉस्ट इतने ही बोल देते तो आप सोचते कि जो आप जानते वही जानते रह जाते, बट कॉस्ट में
एक्चुअल एक्सपेंसेस जो लग रहे हैं वो तो आएंगे ही, प्लस नोशनल कॉस्ट. नोशनल कॉस्ट का मतलब सैक्रिफाइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्यूटेड. यहां से अब हमारे पास डेफिनेशन बनता है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इकोनॉमिक्स में भी पढ़े थे, पर इसे भयंकर वाला याद करके रखना, एग्जाम के लिए हिटलिस्ट है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट दोनों एक ही टाइप के होते, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है. अब हम लोग चल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट का मीनिंग पे, फिर उसके बाद मामला धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा. एक कॉस्ट का क्लासिफिकेशन नीचे मिलेगा फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए. मेरे पास पेज आपके पेज 22 के बाद ही होगा, पेज नंबर 22 के बाद मिला, 23 या 24 पे होगा मिला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. 21 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, कोई बात नहीं, अभी नया नया कॉस्ट है. तो कौन सा पेज पे, या पेज नंबर 19? कोई बात नहीं है, अभी कॉस्टिंग का नया टर्म है भैया. कॉस्ट का मतलब पता है आपको? बोलो तो. आप कोई पूछे कॉस्ट क्या होता है, आप तो बोल नहीं सकोगे. कॉस्ट का मतलब होता है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ये होता है. अभी भी नहीं सीखा कॉस्ट का मीनिंग, कोई बात नहीं. कॉस्ट इंक्लूड एक्चुअल कॉस्ट एज वेल एज नोशनल कॉस्ट. नोशनल कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़े हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सबके लिए. दिस कॉस्ट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. एक कोर्स ऑफ एक्शन को एक्सेप्ट करेंगे तो जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक काम को करेंगे तो दूसरा काम को सेक्रीफाइस करेंगे, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंशन प्लान बाई विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स. आप प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट था 10% इंटरेस्ट पे. प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट करके रखा था, 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, हर एक साल 1 लाख का कमाई. अब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने सोचा है कि अपना एक ब्रांच खोले कहीं, उस ब्रांच पे 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है. तो प्रेरणा ने क्या किया, अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के एक नया कोचिंग सेंटर बना लिया. तो जैसे ही 10 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के कोचिंग सेंटर बना लिया, तो आज से वो इंटरेस्ट आना बंद. तो उस कोचिंग सेंटर से या उस कोचिंग सेंटर का जब हम लोग खर्चा निकालेंगे, हर एक साल 1 लाख रुपया इंटरेस्ट के नाम पे जोड़ लेना बाबू. बोलेगा क्यों? बोल रहा कि इस कोचिंग सेंटर बोलेगा, क्यों मेरे पे खर्चा नहीं हुआ, आप क्यों मेरे को बदनाम करते हो, मेरे में खर्चा नहीं किया. बोलेगा तू शांत रहा, तेरे में पैसा लगाने के लिए हमने फिक्स डिपॉजिट तोड़वाया है. अगर तू नहीं होती हमारी जिंदगी में तो 1 लाख रुपया का कमाई होता, इसलिए वो जो फिक्स डिपॉजिट तोड़वाया हमने तेरे लिए तोड़वाया है, इसलिए तेरे खर्चा में 1 लाख जोड़ेंगे. तो ये हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अ फर्म फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंशन प्लान. प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने एक्सपेंशन के लिए विड्रॉ किया मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स. इन सच अ केस लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कैरिंग आउट एक्सपेंशन प्लान. अब जो मैं एक नया कोचिंग सेंटर हमने खोल लिया, कई ब्रांच खोल लिया, वहां का खर्चा एक फाइनेंशियल अकाउंट पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो उसे रिकॉर्ड करने मना करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लगा है. बट एक कॉस्ट अकाउंटेंट अपना जब स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बनाएगी, अलग ही दुनिया है, वो बोलेंगे वो सेंटर में जो खर्चा लगा ही, साथ में 1 लाख और डालना. तो भैया 1 लाख क्या चीज का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तेरे लिए मैंने फिक्स डिपॉजिट तोड़वाया. फिर मेरा एग्जाम्पल, जब मैं कोचिंग पे आया, ऐसे मैं झूठ बोल रहा हूं, 5-10 हजार का ही सैलरी था,
मेरा एक साल का सैलरी 10 लाख था, झूठ बोल रहा हूँ, कभी देखा भी नहीं था, 5-10 हजार का सैलरी छोड़ के आया था मैं कोचिंग पे। जब मैं कोचिंग पे आया तो मैंने 10 लाख का सैलरी छोड़ा, तो कोचिंग पे आने के कारण मैंने अपना जॉब को सैक्रिफाइस किया, बोलो बोलो, तो कोचिंग के बिजनेस के लिए 10 लाख क्या माना जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल लिखना, सर सैक्रिफाइस जॉब सैलरी 10 लाख फॉर कोचिंग। सर ये आरजी लिखो, आरजी, आरजी मत लिख देना, आरजी सैक्रिफाइस जॉब सैलरी 10 लाख फॉर सीए कोचिंग। फॉर सीए कोचिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी, फॉर सीए कोचिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 10 लाख बींग सैलरी सैक्रिफाइस फॉर कोचिंग, बींग सैलरी सैक्रिफाइस बाय कोचिंग, सैलरी सैक्रिफाइस फॉर कोचिंग, सैलरी सैक्रिफाइस फॉर कोचिंग, सैलरी सैक्रिफाइस फॉर कोचिंग, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इम्प्यूटेड कॉस्ट थोड़ा उसके ऊपर है, इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, लर्न इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट को इक्वली मानते हैं, एक ही मानते हैं, दोनों एक ही है, बट थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, बट दोनों ब्रॉडली बोले तो दोनों एक ही है। इसलिए डेफिनेशन देख लो, ये भी इम्प्यूटेड कॉस्ट भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दिस कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द पेमेंट ऑफ विच इज नॉट एक्चुअली मेड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्यूटेड कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुद का जो कैपिटल डालते हैं वो इंटरेस्ट। या ऐसे सोचो, मेरा एक खुद का घर था, मेरा एक खुद का बिल्डिंग था, खुद ही रहते थे, भाड़े पे कभी नहीं लगाए, खुद ही रहते थे, भाड़े पे कभी नहीं लगाए, कभी नहीं लगाए, उसी में अपना ऑफिस खोल दिए, उसी में अपना अगर ऑफिस लगा लिए तो उसका रेंट तो लगता नहीं है, फिर भी रेंट थोड़ा बहुत रेंट दिखाएंगे उसका, उसका रेंट तो लगता नहीं है फिर भी रेंट दिखाएंगे, लगता नहीं है, पहले रेंट पे नहीं था। अगर मैं पहले अपने घर को रेंट पे था, उसको निकाल कर कोचिंग सेंटर लगा दिया, तब तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ गया। मेरे ही था, मैं खुद ही कि घर पे अपना ऑफिस खोल लिया, तो रेंट तो पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा, फिर भी रेंट दिखाएंगे, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं घर पे ऐसे बेकार पड़ा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बेकार पड़ा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बेकार पड़ा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बेकार पड़ा था, खुद का काम शुरू कर दिया, सैलरी तो लेते नहीं है, फिर भी सैलरी दिखाएंगे, सैलरी तो लेते नहीं है, अकाउंट्स में तो कभी नहीं आएगा, बट फिर भी आप जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेंगे कुछ तो सैलरी दिखा दो। अरे किसी भी तो किसी भी काम थोड़ा बहुत भी तो काम करेंगे ही ना, वही काम के लिए मैं अगर गौरव को रखता हूं तो पैसा लेते ही ना। तो ये होता है इम्प्यूटेड कॉस्ट, ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या, एक इनफ्लो आ रहा था, इनफ्लो आ रहा था, उसको आपने रोक दिया। यहां पे इनफ्लो नहीं आ रहा था, आप सोच रहे हो कि मेरा घर होता, मेरा घर है उसी पे हम काम कर रहे हैं, घर पे रेंट नहीं लग रहा, कुछ तो रेंट दिखाए, मैं खुद ही अपने ऑफिस में काम कर रहा हूं, सैलरी नहीं ले रहा हूं, मैं बाहर से नौकरी छोड़ के आता तब तो वो पैसा आना बंद हो गया, वो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं खुद ही ऐसे बैठे थे, अपना रेंट दिखा दिया, अपना सैलरी दिखा दिया, अपना इंटरेस्ट दिखा दिया, पैसा ऐसे मेरे जमीन पे पड़ा हुआ था, जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ था लॉकर पे, इंटरेस्ट उंटरेस्ट नहीं आ रहा था, अगर बैंक से थोड़वा के लाया पैसा आना बंद हो गया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे पड़ा था लॉकर, भर भर के पैसा पड़ा हुआ है, निखिल बोलते बता दो एड्रेस, ठीक है, अब मैं उसको लगा दिया अपने बिजनेस पे, मैं कहीं उसको यूज नहीं कर रहा था, बिजनेस पे लगा दिया, फिर भी इंटरेस्ट दिखा रहे, तो वो ऐसे ही दिखा रहे, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट। अब ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास फिक्स डिपॉजिट था, वो तोड़वा के लाए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे पड़ा था लगा दिए, फिर भी इंटरेस्ट दिखाएंगे,
इम्प्यूटेड कॉस्ट, मैं नौकरी कर रहा था 10,000 का तनख्वाह, 10 लाख का तनख्वाह छोड़ के दीपशिका को पढ़ाने आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं ऐसे बैठा था कुछ नहीं था बट ऑफिस खोल के खुद ही बैठ के काम करने लगा, सैलरी कुछ तो दिखाएंगे, कुछ भी निकम्मा होने से भी कुछ तो होगा, आजकल तो 5-6 हजार 10 हजार तो होगा, वही सैलरी दिखा देंगे, उसके लिए पैसे वैसे लेंगे नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा कुछ तो दिखाओ भाई, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड। तो अल्टीमेटली ना ये दोनों एक ही है, लिख भी दिया देखो, सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वहां पे पैसा आना रुक जाता है और यहां पे पैसा आता भी नहीं था जाता भी नहीं था, ये एज्यूम कर लिया जाता है, यही डिफरेंस है, एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ सकता है। डन। हम कॉस्ट का मीनिंग सिखा रहे थे आप कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, कॉस्ट इज द मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड, कॉस्ट इज द मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यहां तक तो बहुत समझा दिए थे, फिर उसका सेकेंड लाइन जब पढ़े बवाल मच गया, जो आप जो जानते हो खर्चा वो तो है ही है और साथ में नोशनल कॉस्ट भी कॉस्ट है। सर ये नोशनल कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही कहते नोशनल कॉस्ट। सर ये क्या होता है नोशनल कॉस्ट, क्यों दिखाते? अरे तेलो को पढ़ाने के लिए 10 लाख रुपया मैं खर्चा कर दिया और मैंने अपना नौकरी छोड़ के यहां आ गया 10 लाख का, तो तेलो को पढ़ा के मैं सिर्फ 10 लाख ही लू तो मेरा बाकी का खर्चा रिकवर हुआ, जो मैं जो छोड़ के आया वो कहां से आएगा? तो इसलिए नोशनल कॉस्ट को भी कंसिडर करते, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का एक पार्ट है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सपने में भी नहीं आ सकता है, इसी को इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। तो आप लोगों को ये रटना है, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, कॉस्ट। कॉस्ट पढ़ रहे थे, कॉस्ट मॉनिटरी मेजरमेंट तो समझ गए, रिसोर्सेज मतलब भी समझ गए, मेटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, अदर्स भी यूज हो सकता है, और एक्चुअल और नोशनल भी, एक्चुअल तो जानते ही थे और क्या समझ गए नोशनल। तो अल्टीमेटली देखो मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट में कॉस्ट का मतलब होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विस दे रहे हो उसके लिए जो रिसोर्सेज यूज किए हैं मेटेरियल लेबर अदर्स, उसका मॉनिटरी मेजरमेंट, उसका मॉनिटरी मेजरमेंट। सपोज ये 10,000 आ गया तो हम लोग बोलेंगे 10,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सपोज ये 10,000 आ गया तो बोलेंगे 10,000 कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग सर्विस, ये 10,000। तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पे कॉस्ट कैलकुलेट करते, कॉस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते कॉस्ट, और हम लोग जिसका भी कॉस्ट निकालना चाहते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटेंट्स का जिंदगी तो कॉस्ट 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 निकालने पे रह जाता है। तो जिसका भी एनीथिंग एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट इज एसर्टेन्ड उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिसका भी कॉस्ट निकालना चाहते हैं, मैं अगर कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट निकालना चाहता हूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग बैच बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैं सीए इंटरमीडिएट बैच का कॉस्ट निकालना चाहूंगा, सीए इंटरमीडिएट बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ राहुल को पढ़ाने का कॉस्ट निकालना चाहूंगा तो राहुल बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ प्रेरणा को पढ़ाने का कॉस्ट निकालना चाहूंगा तो बन जाएगा प्रेरणा बन जाएगी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना चाहता हूं रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का तो रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ रिसर्च भी होता है प्रेरणा में उसका कॉस्ट निकालना चाहता हूं तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैं अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना चाहता हूं तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट।
एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट इज एसर्टेन, आप जिसका भी कॉस्ट निकालना चाहते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिर यहां पे तीन टर्म आप लोग को सीखने मिलेगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, ये तीन आज इतने ही तक पढ़ाएंगे आप लोग को, फिर आगे और नेक्स्ट क्लास पे ही होगा। हम लोग कॉस्ट 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 देखे, क्या कर रहे हैं सर आप, तो कॉस्ट ही का बात कर रहे हैं, कॉस्ट ही तो निकालोगे और क्या करोगे। तो हम जिसका भी कॉस्ट निकालना चाहते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये सर्विस भी हो सकता है, जिसका भी कॉस्ट निकालना चाहेंगे वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ये कोई मशीन का भी निकालना हो सकता है। मैं चाहूंगा वीडियोग्राफी मशीन का क्या कॉस्ट है, तो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा वीडियोग्राफी मशीन। मैं चाहूंगा एसी का क्या, एसी चलाने का क्या कॉस्ट है, तो एसी बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मैं चाहूंगा प्रतीक को पढ़ाने का क्या कॉस्ट है, तो प्रतीक बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कृतिका बोली मेरा नाम नहीं ले तो चल, कृतिका को पढ़ाने का कॉस्ट जानना चाहेंगे तो वो बन जाएगा कॉस्ट। भरत बोलते हम भी तो है, मेरा भी ऑब्जेक्ट बना दो, मैं चाहता हूँ भरत को कॉस्ट निकालने के लिए, वो बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सिस्टर फ्रॉम इम्फाल बोलती है से मेरा भी नाम एक बार ले लो, चलो आपका भी नाम ले लिया, आप बन जाएंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। पूजा बोलती है मेरा भी तो एक बार नाम ले लो, चलो आप भी बन जाएंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वीडियो वाले बोलते सर हमारा भी नाम ले लो, मैं वीडियो बैच को पढ़ाने का कॉस्ट जानना चाहता हूँ, तो वीडियो बैच बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एनीथिंग जिसको भी आप कॉस्ट निकालना चाहोगे उसे कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं बाबू। और ध्यान से सुनना, आप लोग बहुत सुने होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट। कोई भी खर्चा, कोई भी कॉस्ट एक पार्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगा है, कोई भी खर्चा एक पार्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगा है तो वो उसके लिए डायरेक्ट हो गया, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए लगा तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। आज के बाद कॉस्टिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोले ना तो वो वाला मत फेंकना जो फेंकते मैं पूछता, तो मैं नहीं पूछ रहा हूं। लेकिन कोई भी खर्चा एक पार्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, आप जिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट निकालना चाह रहे हो वो खर्चा डेडिकेटेड उसके लिए लगा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उससे ज्यादा के लिए लगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं अब इस बात को एग्जाम्पल से बताने जा रहा हूं, पहले सुन लीजिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट का एक वर्ड, जिसका भी आप कॉस्ट निकालते हो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हजार बार बोलेंगे तो एक ही डेफिनेशन है, कोई भी खर्चा एक पार्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगा है तो वो उसके लिए क्या हो गया, डायरेक्ट, और एक से ज्यादा के लिए लगा तो इनडायरेक्ट। अब ध्यान से आप लोग मेरा बात को सुनेंगे, मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है इस बैच को कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट निकालना, आपके इस कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का। तो रिकॉर्डिंग सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का होता है, रिकॉर्डिंग के जो एक्सपर्ट है वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग का खर्चा आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या डायरेक्ट, रिकॉर्डिंग सिर्फ इसी बैच का होता है तो रिकॉर्डिंग का खर्चा डायरेक्ट। बट इस बिल्डिंग का रेंट, यहां पे कॉस्टिंग का भी क्लासेस होते हैं, टैक्सेशन के भी होते हैं, सीए फाइनल के भी होते हैं, सीए फाउंडेशन का भी होता है। जो रेंट है इस बिल्डिंग का वो सिर्फ इस बैच के लिए नहीं है, सभी के लिए है, तो रेंट को बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट को बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट को क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इस बिल्डिंग पे सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का ही ट्यूशन होता और कुछ भी ट्यूशन नहीं होता तो रेंट भी आपके लिए बन जाता डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रिकॉर्डिंग सिर्फ आपके लिए होता है तो इस बैच पे के लिए रिकॉर्डिंग का कॉस्ट डायरेक्ट हो जाएगा। और रेंट और भी स्टाफ है, ऑफिस के स्टाफ आपके बैच को भी कंट्रोल करते हैं, बाकी के बैच को भी, तो उनके सैलरी क्या हो जाएंगे इनडायरेक्ट, क्या हो जाएंगे इनडायरेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड कहते हैं, ओवरहेड। तो कोई भी खर्चा एक पार्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगता है तो उसके डायरेक्ट हो गया, और एक से ज्यादा के लिए लगता है तो
इनडायरेक्ट। अब ध्यान से सुनेंगे, रिकॉर्डिंग का खर्चा इसी बैच पे रिकॉर्डिंग होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और राहुल भैया सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देखते हैं रिकॉर्डिंग, तो इनका सैलरी भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं इस क्लास में सिर्फ प्रतीक को पढ़ाने का कॉस्ट जानना चाहता हूं, सिर्फ प्रतीक को। तो रिकॉर्डिंग क्या सिर्फ प्रतीक के लिए हो रहा है ना, पूरे क्लास के लिए? तो रिकॉर्डिंग का खर्चा इनडायरेक्ट हो जाएगा, ओवरहेड इनडायरेक्ट हो जाएगा प्रतीक के लिए। बैच वाइज बात करें तो डायरेक्ट है, और एक पार्टिकुलर बच्चा के लिए बात करते हैं तो इनडायरेक्ट है। वो चेयर भाड़े पे आया हुआ है, देखो आप लोग, चेयर वीडियो वाले को नहीं दिखेगा, वो चेयर भाड़े पे आया हुआ है, उसपे कोई भी, इस बैच का कोई भी बच्चा बैठ सकता है, कोई भी बच्चा बैठ सकता है, सिर्फ सीए कॉस्टिंग वाला बच्चा ही बैठेगा, तो और कोई भी बच्चा यहां नहीं बैठ सकता है। तो उसका जो रेंट है आपके बैच के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरे बैच में तो जाएगा ही नहीं, कोई बैठ ही नहीं सकता है। और मैं अब सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये चेयर आप में से कोई बैठ सकता है। अब मैं प्रतीक का कॉस्ट जानना चाहता हूं, क्या वो चेयर डेडिकेटेड प्रतीक के लिए है? नहीं। तो उस चेयर का रेंट प्रतीक के लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो चेयर सिर्फ प्रतीक के लिए, उस पर प्रतीक के सिवा और कोई नहीं बैठ सकता है। वीडियो कौन इतना स्पेशल स्टूडेंट आपका? हाँ ठीक है, बाद में दिखा देंगे, अभी तो समझो कि एक चेयर है हमारे क्लास पे, उसमें प्रतीक ही बैठता और किसी को छूने का इजाजत भी नहीं है। तो वो चेयर का कॉस्ट प्रतीक के लिए डायरेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट होगा तो पता है उसका जितना खर्चा लगता आपसे ही लेंगे, ये प्रॉब्लम है। बहुत तारीफ सुन लिया अपना, जेब हल्का करो, तो कॉस्ट अकाउंटेंट जेब ही तो हल्का करवाएगा। मैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आ गया था, कॉस्ट ही निकालना है, कॉस्ट ही निकालना। आप जिस किसी का भी कॉस्ट निकालना चाहते हो उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस किसी का भी प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आप जिसका भी कॉस्ट निकालना चाहते हो, डेट्स योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसी के बेस पे होता है। कोई खर्चा एक पार्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगा तो डायरेक्ट, और एक से ज्यादा के लिए लगा तो इनडायरेक्ट। कोई खर्चा एक जगह डायरेक्ट हो सकता है, दूसरी जगह इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लाइक वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी अगर सिर्फ आपके बैच के लिए है डायरेक्ट, नहीं, वीडियोग्राफी सबका होता है, कॉस्टिंग का, अकाउंट्स का, सीए फाउंडेशन का, सीए फाइनल का, तो इनडायरेक्ट। ऐसे ना फेविकोल का, फेविक्विक का जोड़ मत लगा देना कि एक बार जो बोल दिया आप जिंदगी में कभी भी अपना और कोई डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। सलमान का कमिटमेंट ऐसा नहीं, ये कमिटमेंट कॉस्टिंग में नहीं है, कॉस्टिंग पूरा घर की बात है, सिचुएशन के हिसाब से। ये रिकॉर्डिंग का खर्चा को मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूं, इनडायरेक्ट। जब सभी बैचेस के रिकॉर्डिंग होंगे एक ही सिस्टम से, तो रिकॉर्डिंग का खर्चा इनडायरेक्ट। सिर्फ आपके बैच का रिकॉर्डिंग होगा और किसी का नहीं, डायरेक्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में पूरा ओपन माइंडेड रखना। ये तीन दिन में आपका दिमाग ही खोलूंगा कि आपको लगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपके जरूरत के हिसाब से होता है। जरूरत है एक ही बैच का रिकॉर्डिंग करना, एक ही हो रहा है तो डायरेक्ट, और जरूरत है सारे बैचेस का रिकॉर्डिंग करना तो इनडायरेक्ट। ऐसा है, कभी भी ऐसे मत बोल देना सर उस समय डायरेक्ट था आज इनडायरेक्ट कैसे हो गया। सिचुएशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल। अकाउंट्स आपको, अकाउंट्स टैक्स आपको एकदम जकड़ दिया था जंजीर में, ऐसे तो ऐसे कुछ ज्यादा बोलते थे तो बोलते थे संसद से बन के आया है, और अब बोलेंगे जैसे मर्जी वैसे करो, आपके घर के किचन में बनता है, जैसे मर्जी वैसे सब्जी बना लो, कॉस्टिंग बना लो, कोई ना रोके, कोई ना टोके, कॉस्टिंग इज फ्लेक्सिबल। कॉस्ट ऑब्जेक्ट समझ गया, जिसका भी कॉस्ट निकालना चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस। कॉस्ट सेंटर बेसिकली कोई डिपार्टमेंट्स वगैरह को कॉस्ट सेंटर कहते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक बड़ा सा बात है, लाइक यहां पे बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विस। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट जानने के लिए आपको बहुत सारे छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट जानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जानना चाहूं कि आपको पढ़ाने का कॉस्ट क्या है,
My cost objective is cost accounting batch. आपको पढ़ाने के लिए मेरा ऑफिस का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, मेरा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, बहुत सारे छोटे 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 डिपार्टमेंट्स का, मेरा वीडियोग्राफी का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, मेरा एसी डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, मेरा रनिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा. जब एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज अ ब्रॉडर सेंस, जब आप कोई प्रोडक्ट का सर्विस का कॉस्ट निकालना चाहते हो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बट वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट निकालना पड़ेगा. तो डिपार्टमेंट्स को ही बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, डिपार्टमेंट को ही बोलते हैं कॉस्ट सेंटर. जब आपका ऑब्जेक्ट है, जब आपका ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना, प्रोडक्ट का कॉस्ट डायरेक्टली तो निकल ही नहीं सकता, उसके लिए डिपार्टमेंट वाइज आना पड़ेगा. तो डिपार्टमेंट क्या बन जाते, कॉस्ट सेंटर. और आपका ऑब्जेक्ट है सिर्फ एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना, तो डिपार्टमेंट ही बन जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट. अभी मेरा ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का बैच का कॉस्ट निकालना, माय ऑब्जेक्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग बैच. अब इसके लिए देखेंगे रिसर्च पे कितना खर्चा किया कॉस्टिंग के, डीटीपी वाले लोग, प्रिंटिंग वाले लोग कितना खर्चा किया, रिकॉर्डिंग हो रहा है रिकॉर्डिंग पे, तो ये रिकॉर्डिंग, ये डीटीपी, ये रिसर्च, ये सबको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर. और सिर्फ मेरे को चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट क्या चाहिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट. जिसका भी आप कॉस्ट निकालना चाहते हो वो बन जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट. लेकिन एक प्रोडक्ट एक सर्विस ही कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है, बट वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है जानी, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं सेंटर. तो कॉस्ट सेंटर छोटा होता है, बहुत सारे छोटे 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 को मिलाकर कॉस्ट बड़ा सा होता है. ठीक है, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट. कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसका कॉस्ट निकालना चाहते हो क्या हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट. कॉस्ट सेंटर मतलब डिपार्टमेंट हो गया, पर्सन हो गया. मेरा मैनेजर है, मैं उसका कॉस्ट निकालना चाहता हूँ. मेरा वीडियोग्राफर है, मैं उसका कॉस्ट निकालना चाहता हूँ. मेरे पास एक साइंटिस्ट है, मैं उसका कॉस्ट निकालना चाहता हूँ. मेरे पास एक टेक्नीशियन है, उसका कॉस्ट निकालना चाहता हूँ. तो ये कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर मतलब सिंपल. कॉस्ट ऑब्जेक्ट ब्रॉडर सेंस है, प्रोडक्ट सर्विस वहां तक पहुंचने के लिए डिपार्टमेंट वाइज आना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर. क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर. तो कॉस्ट ही तो सीख रहे थे. कॉस्ट का मतलब मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. तो गुड्स और सर्विसेज के लिए रिसोर्सेज कॉस्ट कॉस्ट निकालेंगे. तो आप जिसका भी कॉस्ट निकालते हो उसी को बोलते हो कॉस्ट ऑब्जेक्ट. वहां तक पहुंचने के लिए डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर. उसके बाद कॉस्ट यूनिट. मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट निकालना. मैंने निकाल लिया 10 लाख. मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट निकालना. कितना निकाल लिया, 10 लाख. अभी कॉस्ट निकालने के बाद ये मैं आप लोग से चार्ज भी तो करूंगा ना, मैं आप लोग से चार्ज भी करूंगा ना ये पैसा. अल्टीमेटली कॉस्ट निकाल के ब्रह्मपुत्र में थोड़ा ना फेंकते हैं. कॉस्ट निकालने के बाद कस्टमर से चार्ज भी तो करते हैं. तो मैं ऐसे बोलूंगा, निधि तू सबसे प्यारी है मेरी, पूरा क्लास को पता है कि सबसे प्यारी दुलारी न्यारी, तुम भी तो बोला था ना. ओके, तो तू ना 10 लाख मेरे को पूरा दे दे. बोले सर ऐसा भी प्यार मत करो कि भाग ही जाए. तो मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सपोज 10 लाख कॉस्ट है, तो क्या मैं निधि से 10 लाख ले लूं, क्योंकि हमारा उनका इंटरेक्शन होता है. जैसे उसने कहा था, प्रेरणा को जानता भी नहीं है वो. ओके, क्या मैं निधि से ले लूं, आप लोग को अच्छा लगेगा. निखिल बोले हाँ ले लो, अच्छा ही है, मेरे से भी वो दे देगी. बट बताओ भाई बताओ, सिर्फ एक ही स्टूडेंट से ले लेना, सबसे लेना है, सबसे लेना है. उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट. मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट है, कितना कॉमन से जुड़े क्या पढ़ा रहे भाई, यही है कॉस्टिंग. हम क्या करें, 10 लाख रुपया मेरा खर्चा लगा आपको पढ़ाने का, 100 बच्चे हैं, तो डिवाइड कर तो कितना, 10,000. तो ये होता है कॉस्ट यूनिट. कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है
जो किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट निकाले ना, उसको किस तरीका से चार्ज करेंगे, किस तरीका से चार्ज करेंगे, पर स्टूडेंट चार्ज करेंगे, ये जो पेन बनाते वो पर पेन चार्ज कर सकते हैं, पर डजन चार्ज कर सकते हैं, और आप लिक्विड लेने जाते हो तो पर लीटर चार्ज होता है, फ्रूट्स लेने जाते हो फूड ग्रेन्स तो पर केजी चार्ज होता है, तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। मोबाइल लेने जाते हो तो पर पीस चार्ज होता है, और टेलीविजन रेफ्रिजरेटर पर पीस चार्ज होता है, गाड़ी खरीदने जाते हो तो एक एक यूनिट का चार्ज होता है, ब्रिक्स खरीदते हो ब्रिक्स एक एक ईटा नहीं खरीदते, हजार हजार ब्रिक्स का कॉस्ट निकलता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि हमें किसी का कॉस्ट निकालना है, हाँ हमें सीए कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट निकालना है, निकाल के रख दिया 10 लाख, अब निकाल के उसे चार्ज भी तो करेंगे किसी ना किसी बेस पे, उस बेस को ही बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। मैं पर स्टूडेंट चार्ज कर रहा हूं, कहीं पे पर आवर भी चार्ज किया जा सकता है, आप कोई प्रोडक्ट लेने जाओ पर पीस भी मिलता है, पर यूनिट भी मिलता है, पर केजी भी मिलता है, पर लीटर भी मिलता है, पर डजन भी मिलता है, पर पैकेट भी मिलता है, सीमेंट उमेंट लेने जाओ तो पर बैग मिलता है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे चार्ज करने का सिस्टम डिफरेंट है, इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। पता है सबसे इंटरेस्टिंग कॉस्ट यूनिट होता है सर्विस सेक्टर। लाइक मूवी देखने जाते हो ना, पर शो पर टिकट लगता है, ऐसा नहीं कि ये वाला मूवी राजी चल रहा है क्या, अभी राजी का एक बार टिकट ले ले अब पूरा सातों दिन बैठे रहेंगे सुबह से शाम, टिकट है ना राजी का, ऐसा थोड़ा होता है। या एक दिन का टिकट देखो, आज 23rd का टिकट है, 23rd को 300 है, 300 बैठेंगे आप, ऐसे नहीं होता है। पर टिकट होता है। अब बसेस में ट्रांसपोर्ट करते हो तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर लगता है, ऐसा नहीं होता है निखिल और निधि जा रहे हैं, निधि भाड़ा दे दिया, निखिल बोलेगा मेरा दोस्त दे दिया ना, हम तो नहीं देंगे, ऐसे नहीं होगा, आपको भी देना पड़ेगा भाड़ा। देता है कभी वो, कभी देगा भी नहीं वो। ओके, सिनेमा हॉल में पर सो पर टिकट, आप बसेस में ट्रांसपोर्ट करते हो तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर, आप होटल में स्टे करते हो ना पर रूम पर डे, ऐसा नहीं होगा कि एक रूम का भाड़ा दे दिया, अब मेरे दिया था इसका भाड़ा, अब एक में नाम इसी में रहेंगे, वैसा नहीं, एक रूम का एक दिन का। और ऐसा भी नहीं होगा हमने इस होटल का कमरा का भाड़ा दिया, होटल ही पूरा मेरा है, अरे उसके बाजू वाले रूम में जाके घुस जाके उसमें दूसरे कोई रहते हैं, नहीं होता ऐसा। तो पर रूम पर डे कॉम्पोजिट यूनिट यूज होता है, कॉम्पोजिट यूनिट सर्विस इंडस्ट्रीज पे कॉस्ट यूनिट में दो यूनिट का मिश्रण होता है। लाइक मूवी पे 101 क्या बोला था, पर सो पर टिकट, आप बसेस में जाओगे कोई एक आदमी बस का भाड़ा देगा सब फ्री में चलेगा, एक ही तो बस का खर्चा तो एक ही एक से ले लो, ऐसा नहीं, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। होटल में रहोगे तो एक कमरा का भाड़ा दे दो पूरा आपका होगा, नहीं पर रूम पर डे, ऐसे होते हैं। इसमें रूम भी है डेज भी है, पर किलोमीटर पर पैसेंजर दो चीज का मिश्रण है। ये एग्जाम में बहुत आता है, मैंने भर भर के आता है, अभी नहीं पढ़ना है, हम तो कॉस्ट यूनिट सिखा रहे थे। आप जानते थे पर केजी पर लीटर पर मीटर, कपड़ा उपड़ा मीटर में मिलता है, पर मीटर पर डजन पर पीस पर पैकेट पर बैग पर कैन पर पिज्जा, कुछ कुछ ऐसा होता था, पर प्लेट मोमो खाते हो पर प्लेट, फुचका खाते हो पर प्लेट, सही है एकदम सही है। और कुछ फीलिंग से पर बोतल, कोई बियर पीता है पर बोतल, कोई पानी पीता है पर बोतल, पर कप चाय, ठीक है, और छोला भटूरे पर प्लेट, और तो कोई ब्रेकफास्ट ही नहीं कराता उसके बाद ही छोड़ दो, ये आप जानते थे। बस एड ऑन कर देना, सर्विस सेक्टर पे कॉम्पोजिट यूनिट होता है, क्या होता है कॉम्पोजिट, दो तीन याद रखना, सिनेमा में पर सो पर टिकट, होटल पर रूम पर डे, और बसेस में पर पैसेंजर पर किलोमीटर। एग्जाम में ना
इंडस्ट्रीज दे देता है और पूछता है आपसे कॉस्ट यूनिट बताइए कॉम्पोजिट, तो आपके पास एक चैप्टर मिलेगा ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग, वहां पे पढ़ाएंगे, बट अभी से ध्यान रखना। तो अभी मैं तीन डेफिनेशन आप लोग को पढ़ा रहा था, पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पे एक ही तो काम करना है, कॉस्ट निकालना है। अब जिसका भी कॉस्ट निकालना चाहोगे तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एनीथिंग फॉर विच सेपरेट एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड, किसी भी चीज का अलग से कॉस्ट निकालना चाहते हो, डेट बिकम्स योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इट मे बी प्रोडक्ट, इट मे बी सर्विस, कुछ भी। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर मतलब एक डिपार्टमेंट, एक लोकेशन, एक पर्सन, एक मशीन, जिसका ये नैरो सेंस है, ये नैरो सेंस है। आपका काम ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना तो वही ऑब्जेक्ट हो गया, बट आपका ऑब्जेक्ट हो ये पेन बनाने का कॉस्ट निकालना, ये पेन के लिए तो बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट, तब उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। और आपको बोला जा रहा है कि नहीं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही कॉस्ट चाहिए और कुछ नहीं, तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट चाहिए। नाउ यू डोंट हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ए डिपार्टमेंट, योर ऑब्जेक्टिव इज दिस पेन, तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक पहुंचने के लिए डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर बोलेंगे, तो कौन बड़ा हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कौन छोटा हो गया कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट 10 लाख निकाल लिया आपके बैच का, इसे किसी ना किसी माध्यम से तो मैं चार्ज करूंगा ना, तो जिस बेस पे चार्ज करूंगा उस बेस को कॉस्ट अकाउंटेंट बोलता है, कॉस्ट यूनिट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट करूंगा। आप कॉस्ट यूनिट बहुत जानते हो, सिर्फ सर्विस सेक्टर का कॉस्ट यूनिट में ट्विस्ट है जो हम लोग सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग में पढ़ेंगे, बट एक दो तो आप लोग नाम तो सुन ही सकते हो ना, पर शो पर टिकट, पर रूम पर डे, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो ये तीनों डेफिनेशन पे हम लोग चलेंगे। क्या क्या डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम लोग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट। बोलते चलिए कॉस्ट का मीनिंग क्या था, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इट इंक्लूड एक्चुअल एज वेल एज नोशनल कॉस्ट। तो थोड़ा सा आगे चलकर आप लोग को कॉस्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, कौन सा पेज पे है, पेज नंबर 12। पेज 12 हमें जिसका भी कॉस्ट निकालना है वो बन जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, हिंदी में लिख लेना, हमें जिसका भी कॉस्ट निकालना है वो बन जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हमें जिसका भी कॉस्ट निकालना है वो बन जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इट रिफर्स टू एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड, इट रिफर्स टू एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई कस्टमर भी हो सकता है, कोई ब्रांड भी हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट का भी निकाल सकते हैं, कोई एक्टिविटी का भी निकाल सकते हैं, कोई प्रोग्राम का भी निकाल सकते हैं, किसी भी का आपको कॉस्ट निकालना है तो क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये बैच का मेरे को कॉस्ट निकालना है तो बैच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, निखिल को पढ़ाने का कॉस्ट निकालना है तो निखिल कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और फिर उसको ध्यान पे रखकर कॉस्ट निकालेंगे, उसको ध्यान निखिल को ध्यान पे रखकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, कोई खर्चा सिर्फ निखिल के लिए लगा है तो निखिल वाले पे आ जाएगा, कोई खर्चा निखिल को लेकर सब में लगा है तो उसको बांटेंगे इनडायरेक्ट, कोई खर्चा निखिल के लिए नहीं लगा है तो वो निखिल के कॉस्ट में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटेंट्स को अपना ऑब्जेक्ट जानना पड़ता है, ऑब्जेक्ट जानने के बाद कुछ खर्चा डेडिकेटेड उसके लिए लगा है तो डायरेक्ट जोड़ ही देंगे, और जो डेडिकेटेड उसके लिए नहीं लगा है सबके लिए लगा है तो उसका शेयर देंगे,
और कोई खर्चा जो उसके लिए लगा ही नहीं है वो डालेंगे ही नहीं। तीन ही टाइप का तो खर्चा होता है, जो खर्चा पूरा उसके लिए लगा उसमें चार्ज करेंगे, जो खर्चा उसपे भी लगा और जगह लगा प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शन में देंगे, और कोई खर्चा पूरा ही नहीं लगा उसके लिए उसमें नहीं। इसीलिए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जानना पड़ता है। आप जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, हाँ जिसका भी कॉस्ट, प्रतीक भी हो सकता है। ये ऐसे बेकार का लिखा है बच्चा के लिए, प्रोडक्ट आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट है। आप कार बना रहे हो तो कार आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आप कंप्यूटर बना रहे हो तो कंप्यूटर आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आप मोबाइल बना रहे हो तो मोबाइल आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आप टीवी बना रहे हो तो टीवी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट, सर्विस आप होटल सर्विस दे रहे हो तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, हॉस्पिटल सर्विस दे रहे हो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विस का कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट। कोई मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन हुआ दिल्ली में तो अब सरकार को ये जानना है कि उस मेट्रो लाइन पे कितना खर्चा लगा, तो मेट्रो लाइन क्या बन गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आएंगे, इतना आसान नहीं होता है। कोलकाता में, महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में भी मेट्रो ही मेट्रो, पूरा बॉम्बे, आधा तो बॉम्बे डिस्टर्ब ही है, सब जगह अंडरग्राउंड चल रहा है मेट्रो का काम। तो अब उसका कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो मेट्रो, महाराष्ट्र मेट्रो वाला भी बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कोई प्रोसेस का कॉस्ट निकालना चाहेंगे टेक्सटाइल मिल में, स्पिनिंग प्रोसेस का, वेविंग प्रोसेस का, कोई एक्टिविटी का, आप अकाउंट लाइक कोई डिपार्टमेंट का, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का कॉस्ट चाहिए, ओनली फाइनेंस का, तो वो क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहां पे होता है उसका कॉस्ट निकालना है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आप बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप जानना चाहोगे डेफिनेटली कितना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। आप सेफ्टी डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना चाह रहे हो कि सेफ्टी पे मैं कितना खर्चा करता, तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो और इसी के बेसिस पे तो पूरा कॉस्टिंग है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको जानना है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बहुत ब्रॉडर सेंस पे है, और जिसका भी आप कॉस्ट निकालना चाहेंगे। और यहां तक पहुंचने में आपको कौन हेल्प करता है, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर सिंपल, कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए, लिखेंगे हिंदी में पहले, कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए बहुत डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट निकालना पड़ता है, यही कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट निकालना है, दिस इज कॉस्ट सेंटर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट निकालना, इस कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का, तो ये मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें वीडियोग्राफी एक डिपार्टमेंट हो गया, मैं उसका कॉस्ट निकालूंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट हो गया, उसका कॉस्ट निकालूंगा। डीटीपी एक डिपार्टमेंट हो गया, उसका कॉस्ट निकालूंगा। मेंटेनेंस एक डिपार्टमेंट हो गया, उसका कॉस्ट निकालूंगा। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, डीटीपी डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, वीडियोग्राफी डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। मेरा ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग बैच, मतलब ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट निकालना, और ये काम करने के लिए मैं फाइव डिपार्टमेंट्स का हेल्प लेता हूं। पांचों डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉस्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव पांचों डिपार्टमेंट का कॉस्ट नहीं था बाबू, कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का, इस क्लासेस का, कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासेस का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट निकालना। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए हमने पांच डिपार्टमेंट का सपोर्ट लिया है, उन पांचों डिपार्टमेंट्स को कहते हैं कॉस्ट सेंटर। डन, आगे फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट the whole organization is divided in small parts or section, each small section is treated as cost center for which cost is ascertained. Like Prerna Tutorials ke pure organizations ko 5 divisions mein baant diya gaya hai,
सबका कॉस्ट निकालेंगे और सबको जोड़ के कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ये डेफिनेशन याद करना आप लोग, ये सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अकाउंट लंदन. कॉस्ट सेंटर का डेफिनेशन है अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट मे बी एसर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल. कोई लोकेशन, कोई जगह भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है जिसका कॉस्ट निकाल सकते एंड कंट्रोल कर सकते. लोकेशन यानी बड़ा बिजनेस है, ऑल ओवर आसाम में बिजनेस है, अब वो लोग चाहेंगे कि डिब्रूगढ़ में बिजनेस का कॉस्ट निकालना. लोकेशन, पर्सन, आपके पास कोई टेक्नीशियन है, कोई अकाउंटेंट है, कोई साइंटिस्ट है, आप उसका कॉस्ट निकालना चाहो निकाल सकते हो. आइटम ऑफ इक्विपमेंट, आपके पास मशीनरीज है, वीडियोग्राफी मशीनरीज है, उसका कॉस्ट निकालना चाहोगे आइटम इक्विपमेंट जिसका कॉस्ट निकाल के कंट्रोल कर सकते. डज अ कॉस्ट सेंटर रिफर टू सेक्शन ऑफ बिजनेस टू विच कॉस्ट कैन बी चार्ज. छोटे छोटे डिपार्टमेंट जिसपे कॉस्ट चार्ज कर सकते उसी को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर. इट मे बी अ लोकेशन, अ सेल्स, एक कोई एरिया हो सकता है, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट मशीन हो सकता है, पर्सन सेल्समैन अकाउंटेंट मशीन ऑपरेटर हो सकता है, ग्रुप ऑफ मशीन्स कुछ भी हो सकता है, किसी का भी आप कॉस्ट निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर. अगर वो ऐसे क्लासिफिकेशन फॉर्मेलिटीज के तौर पे पर्सनल इम्पर्सनल, अगर पर्सन का कोई कॉस्ट निकालने चाहेंगे तो हमारे पास डॉक्टर है उसका कॉस्ट निकालना, माइनिंग स्टाफ का कॉस्ट निकालना, अकाउंटेंट का कॉस्ट निकालना, रिकॉर्डर का कॉस्ट निकालना, साइंटिस्ट का कॉस्ट निकालना, तो फिर वो पर्सन, और पर्सन को छोड़ के बाकी का क्या हो जाएगा? इम्पर्सनल. सिंपल, मशीन का निकालना, कोई डिपार्टमेंट का निकालना क्या बन जाएगा? इम्पर्सनल. ठीक है गौरव, प्रॉब्लम सिंपल. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ये होता है, इसको ध्यान रखना, आगे मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ध्यान नहीं रखने से भी. मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पे, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, कॉस्ट सेंटर को दो पार्ट में डिवाइड करते, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट. जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे पर्सनल इम्पर्सनल नहीं बोल के आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट. जहां पे फैक्ट्री प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और एक फैक्ट्री चलने के लिए, एक फैक्ट्री को स्मूथली चलाने के लिए आजू बाजू बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, टाइम टू टाइम आके मशीन का मेंटेनेंस करता है. एक पावर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, पावर को अनडिस्टर्ब सप्लाई करते रहता है. कैंटीन भी होता है कि इस फैक्ट्री में स्टाफ लोग जो होते हैं ना भोजन करेंगे. वहां पे एक स्टोर रूम भी रहता है कि फैक्ट्री में मेटेरियल्स वटेरियल्स चाहिए तो स्टोर से आएगा. तो ऐसा वहां पे एक हॉस्पिटल भी हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिपार्टमेंट. जहां एक फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री तो रहेगा ही जहां पे प्रोडक्शन होता है, पेन बनता है, इसके अलावा इनके हेल्प के लिए बहुत सारे आजू बाजू डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उसको बोलते सर्विस डिपार्टमेंट. क्या बोलते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट. और जहां प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. कॉस्ट सेंटर पर कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम कोई कॉस्ट सेंटर ही कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है. कॉस्ट ऑब्जेक्ट रहता है पेन, वहां तक पहुंचने के लिए डिपार्टमेंट का निकालना है. दीज आर द कॉस्ट सेंटर विच वेयर एक्चुअल प्रोडक्शन वर्क टेक्स प्लेस. वेविंग डिपार्टमेंट इन टेक्सटाइल मशीन, मेल्टिंग शॉप इन स्टील मिल, केन क्रशिंग शॉप इन शुगर मिल. तो जहां पे टेक्सटाइल पे वेविंग डिपार्टमेंट, स्टील मिल पे मेल्टिंग डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जहां मिठाई बनता है, मिठाई का भट्टी उट्टी जहां लगा रहता है वो तो बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और फिर मिठाई का भट्टी होने के बाद सफाई वफाई करने वाले रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट. सर्विस, दीज आर द कॉस्ट, दीज आर दोज कॉस्ट सेंटर विच आर एंसिलियरी टू एंड रेंडर सर्विसेज टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, लाइक पावर हाउस, टूल रूम, स्टोर डिपार्टमेंट, रिपेयर शॉप, कैंटीन. ऐसे छोड़ो, बाहर का प्रेरणा का ही बात करें, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सीए का फैक्ट्री नहीं है, बट फिर भी यहां पे ही तो मेन काम होता है, यहीं पे तो मेन काम होता है. अब ये इसको एक बार आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोच लो, क्या बिना ऑफिस का ये काम हो सकता है? नहीं.
बिना ऑफिस का ये काम नहीं, बिना मेंटेनेंस का ये काम नहीं हो सकता है। तो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट को बोलते हैं सर्विस। क्या आप वहां पे जाके पढ़ाई करते हो क्या? नहीं। तो इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन, हालांकि नहीं मैं ऐसे बता रहा हूं, इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन, यहीं पे तो मेन काम हो रहा है। और हम लोग तो विदाउट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का गंदगी हो जाएगा, निधि बीमारी हो जाएगी। और ऑफिस के बिना तो आपको बुक्स वुक्स ट्यूशन फी वगैरह वो सब कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा, उन सब का हेल्प चाहिए ना। तो वो सब बन गए सर्विस डिपार्टमेंट। वो सारे तीन चार जो डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो लोग हेल्प कर रहे हैं हम लोग को। हम अपने आप को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समझ सकते हैं और उन सबको सर्विस डिपार्टमेंट, सेंटर, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं इन सबको। ऐसे लाइट नॉलेज पे ध्यान रखना। तीन टर्म से जान पहचान करवाना था। एक था आप जिस आप पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में आप तो कॉस्ट ही निकालोगे ना, तो आप जिसका भी कॉस्ट निकालते हो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक सर्विस भी हो सकता है, एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है, जिसका भी आप कॉस्ट निकालना चाह रहे हो। प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकालने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डिविजन्स का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर पर्सनल भी हो सकता है, पर्सन इम्पर्सन भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग पे प्रोडक्शन भी होता ही है, प्रोडक्शन और सर्विस। एंड लास्ट मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासेस का कॉस्ट निकालना। मैंने तो निकाल ही लिया 10 लाख। अब इस कॉस्ट को मैं अपने बच्चों से चार्ज करूंगा, जिस आधार पे मैं चार्ज करूंगा उसी को कहते हैं कॉस्ट यूनिट। जो आप बाजार में बोलते हो भैया एक डजन पेन दे देना, एक डजन कॉपी दे देना, वो बोतल एक वाटर बोतल दे देना, एक प्लेट इडली खिला देना, ठीक है, और भी कुछ कुछ कुछ, एक कप एक प्याली चाय के दिला देना, एक बियर का बोतल दे देना। तुम बियर पीता है अभी से? शरीर में तो कुछ है नहीं। ओके सब सुबह सुबह बोलते एक एक बोतल बियर का। तो हनी सिंह का एक गाना सुन लो, चार बोतल वोट करना दूध का, दूध का हनी सिंह बोलते हैं चार बोतल दूध का उसके लिए। तो प्लीज इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। अब भरत चश्मा खरीदेगा तो बोलेगा एक चश्मा, कभी एक जोड़ी खरीद लेगा बदल बदल के वन पेयर, कभी डजन खरीद लेगा वन डजन दे दो, 12 दिन 12 अलग अलग फ्रेम पे पहनेंगे। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट। लाइक अभी कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का 10 लाख रुपया निकाल लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। सर क्या काम है? पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे एंड चार्ज करेंगे लोगों से प्रॉफिट जोड़ के। इधर लिखना कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्टिंग क्लासेस ₹10 लाख, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्टिंग क्लासेस ₹10 लाख, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कॉस्ट यूनिट इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट था कॉस्टिंग क्लासेस ₹10 लाख, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही कॉस्ट यूनिट है 100, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट 10,000। अगर मैं प्रॉफिट जोड़ लेता तो सेलिंग प्राइस ट्यूशन फी पर स्टूडेंट भी निकल जाता। प्रॉफिट पे हम लोग आज डिस्कशन नहीं कर रहे, तो कॉस्ट यूनिट का मतलब समझा रहे, कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। कॉम्बिनेशन सिर्फ सर्विस सेक्टर पे मिलता है, इन टर्म्स ऑफ विच कॉस्ट आर एसर्टेन या एक्सप्रेस्ड। कॉस्ट निकालने के बाद मैं एक्सप्रेस करता हूं किसी टर्म पे सो डेट मैं लोगों से खर्चा चार्ज कर सकूं, उसी को जिस फॉर्म पे जिस टर्म पे मैं एक्सप्रेस करूंगा उसी को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। कोई मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा है तो मशीन आवर पे निकल जाता है, लेबर डिपार्टमेंट खर्चा है लेबर आवर पे निकल, इंटरनल हो गया वो, और एक्सटर्नल तो पर यूनिट निकलेगा,
पर आवर भी चार्ज किया जा सकता है, पर शो पर टिकट भी चार्ज किया जा सकता है, पर किलोमीटर अपन पैसेंजर पर किलोमीटर पर रूम पर डे ऐसे चार्ज पर डजन पर केजी पर पैकेट पर लीटर पर कुछ भी हो सकता है, पर टन भी हो सकता है, पर कार भी पर पीस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस बेसिस पे आप अपना खर्चा लोगों से चार्ज करोगे उसी को क्या बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला भैया, कॉस्ट निकालना है सीए क्लासेस का, उसके लिए कॉस्ट यूनिट मैं हेल्प करूंगा, मैं हेल्प करूंगा, सबका हेल्प करके निकाल दिया। कॉस्ट यूनिट बोलता आप अल्टीमेट फाइनल हेल्प हम ही करूंगा, अदरवाइज निधि से 10 लाख ले लो। निधि भागी रही थी, भागी रही थी, बोलो ना भागी रही थी, तो कॉस्ट यूनिट ने बचा लिया। कॉस्ट यूनिट बोलता है गधा है, आप 100 बच्चा को पढ़ा रहे हो और एक बच्चे से पैसे लोगे, और वो जो आपको ब्रेकफास्ट नहीं दिला सकती वो 10 लाख कैसे देगी। तो इसलिए इस ये पैसा सबसे चार्ज करो, सबसे चार्ज करो। किस माध्यम से? जो सामने बैठता है उससे ज्यादा, जो दूर बैठता है उससे कम? अरे नहीं, वैसा नहीं, सबसे आप इक्वल चार्ज करो। तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से चार्ज करो, तो माई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बिकम कॉस्ट यूनिट। इट इज बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लाइक 1000 bricks 1000 में बिकता है, पर टन ऑफ कोल भी बिकता है, पर मीटर ऑफ क्लोथ भी बिकता है, पर लीटर ऑफ पेट्रोल भी, पर स्क्वायर फीट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो घर और बिकता है ना, पर स्क्वायर फीट। सिगरेट पर पीस सिगरेट भी बिकता है, पर पैकेट सिगरेट भी बिकता है, पुड़िया भी पर पैकेट पुड़िया भी बिकता है। ऐसे इट्स सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। यस यस, ये आप जानते हो। अब चावल खरीदे जाओगे, भैया 2 लीटर चावल दे देना, ऐसा तो नहीं होगा। 2 डजन चावल दे देना, ऐसे तो नहीं होगा। 2 केजी चावल बोलोगे, अरे हंसता क्यों है। हाँ, आप तेल और खरीदने जाओगे तो लीटर वगैरह बोलोगे। तेल खरीदने जाओगे, भैया 1 डजन तेल दे देना, ऐसा नहीं होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट यूनिट होता है। ओके, ये डेफिनेशन, सीमा का डेफिनेशन याद करना, सिर्फ एक लाइन। यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर एसर्टेन्ड, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर एसर्टेन्ड, इसको क्या बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। मेन पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग कॉस्ट यूनिट इज एक्सप्रेस कॉस्ट पर सच यूनिट। अ फ्यू एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो जो आप जानते हो उसको तो ऐसे उड़ा देते हैं। सीमेंट, तो सीमेंट पर बैग भी बिकता है ना, पर बैग भी लिख सकते हो, पर टन भी, पर बैग भी लिख सकते हो। जो आपको बाजार में दिखता है ना रियल लाइफ पे, वही कॉस्टिंग है। एकदम आप लोग सिंपल रियल लाइफ का सोचना। केमिकल पर लीटर गैलन भी हो सकता है, ब्रिक्स पर 1000 भी मिलता है, ऐसे तो 100 भी ब्रिक्स मिलता है, बट नॉर्मली 1000 ऐसे तो कोई 10 भी ब्रिक जाके खुला में लेके आ सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक पर बोतल, पर 12 बोतल्स पर क्रेट। और इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डेकोरेटर पर जॉब चार्ज करते, इसको अंडरलाइन कर लेना। कहते ना हमारे पास डेकोरेटर आएगा तो हमारे यहाँ का जॉब के हिसाब से चार्ज करेगा। शूज पर पेयर, पर डजन पेयर, पेंसिल्स पर डजन, कार, पेपर पर रिम, प्रिंटिंग 1000 copies नीचे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर फ्लैट चार्ज करते, टिम्बर क्यूबिक फीट नहीं चाहिए। एजुकेशन का अंडरलाइन कर देना स्टूडेंट्स। टेलीफोन का पर कॉल होता है। होटल, होटल, हॉस्पिटल हाईलाइट करना। होटल, होटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ेंगे सर्विस कॉस्टिंग पे आज नहीं, ऐसे होटल मिला क्या, पर रूम पर डे लिख लीजिए, पर रूम पर डे, होटल पर रूम पर डे, पर रूम पर डे। नर्सिंग होम या हॉस्पिटल पर बेड पर डे, यहां भी पर बेड पर डे, यहां भी होटल हॉस्पिटल भी तो रूम होता है ना, एक तो जनरल वार्ड होता है बेड प्राइस, यहां भी पर रूम पर डे भी होता है, लिख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट के हिसाब से लगता है। ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, सिनेमा पर शो पर टिकट। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे सर्विस या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पे। अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो मैं आप लोग से कुछ बेसिक टर्म्स से जान पहचान करवा रहा था। 3-4 टर्म हमारा बैक टू बैक आया। फर्स्ट था कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है,
monetary measurement of resources used in production or rendering of services. फिर इट इंक्लूड्स एक्चुअल एज वेल एज नोशनल. नोशनल मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बेनिफिट सेक्रीफाइस ऑन एक्सेप्टिंग अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. फिर कॉस्ट 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 कॉस्ट. चलो भैया कॉस्ट वर्स निकालते, तो आप जिसका भी कॉस्ट निकालेंगे पहले तो ये डिसाइड करेंगे ना किसका कॉस्ट निकाला, क्या कर रहे, नहीं खर्चा किसका, पता नहीं जो भी मिल जाए उसी का कॉस्ट निकाल देंगे. ऐसा तो नहीं होता है ना, निकल गए गूगल में जो भी आएगा उसका कॉस्ट निकालेंगे ना, पहले से डिसाइड करते हैं. तो आपने जिसका डिसाइड कर लिया, जो आपने तय कर लिया, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना, क्योंकि इसी के बेसिस पे कॉस्ट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है. जब कॉस्ट को एक पार्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगा तो डायरेक्ट, और एक से ज्यादा के लिए लगा तो इनडायरेक्ट. कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, अरे नहीं वो कॉस्ट निकाले सीए क्लासेस का, हमें भी हेल्प ले लो. अरे तू छोटा है, तू क्या हेल्प करेगा, हमारे बिना तू कर ही नहीं पाएगा. तो छोटे छोटे लोग भी हेल्प करते हैं हमें, डिपार्टमेंट्स, उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर. और निकल गया कॉस्ट 10 लाख. अब ये 10 लाख निकला, इसी किसी न किसी टर्म पे एक्सप्रेस करेंगे, सो डेट आप बच्चों से चार्ज करो. एस से चार्ज कर लो सारा खर्चा, एस से चार्ज कर लो सारा खर्चा ना, सभी बच्चों से, सभी बच्चों से. बच्चों को ये देखिए कि गुड़िया अलग, भाई अलग, साइज अलग, सामने वाले अलग, पीछे वाले अलग, ना सबसे इक्वल चार्ज करना है. तो बेसिस होना पड़ेगा, बेसिस. तो हमारा बेसिस है यूनिट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसी को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट. कॉस्ट यूनिट आप जो जानते हो जानते ही हो, सर्विस सेक्टर में कॉस्ट यूनिट बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्या क्या, होटल में पर रूम पर डे, हॉस्पिटल में भी पर बेड पर डे, पर रूम पर डे भी हो सकता है, पर ऑपरेशंस भी चार्ज करते, पर पेशेंट पर ऑपरेशंस भी चार्ज करते, पढ़ेंगे उधर जाकर, पर थोड़ा नॉलेज. और क्या था, सिनेमा हॉल पर शो पर टिकट, और ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, अगर गुड्स कैरिज करते हो तो पर टर्न पर किलोमीटर गुड्स गुड्स सामान ले जाते हो. तो ये था कॉस्ट के बारे में कुछ. अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट तो वही है, कॉस्ट तो वही है, मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड, बट कॉस्ट का डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन है. मैं एक इंसान ही हूं, रमेश गुप्ता ही हूं, इंसान हूं. आपके लिए मैं स्टूडेंट हूं, किसी के लिए भाई हूं, किसी के लिए पापा हूं, किसी के लिए कामुर भी हूं, हस्बैंड हूं, ओके, किसी के लिए चाचू भी बन जाता हूं, किसी के लिए बेटा भी हूं, बट इंसान तो मैं एक ही हूं ना. डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट रिश्ता है. तो कॉस्ट भी इस संसार में खर्चा भी तो एक ही होता है, एक मेटेरियल एक लेबर एक्सपेंसेस, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम. जैसे रमेश गुप्ता इस संसार पे एक ही हूं मैं, और दूसरे रमेश गुप्ता वो उसके बारे में अलग है. आपके लिए अलग हूं, राहुल के लिए अलग रिश्ता है, मेरे घर पे इतने फैमिली मेंबर्स है सबके लिए अलग अलग रिश्ता है. प्रतीक भी एक ही है, सोनिया भी एक ही है, बट सोनिया मेरे लिए स्टूडेंट है, अपने मम्मी पापा के लिए गुड़िया है, दोस्त के लिए दोस्त है, और किसी के लिए भांजी है, भतीजी है, किसी के लिए बुआ होगी, किसी के लिए मौसी, और भी बहुत सारा रिश्ता है ना. कहो ना, कहो ना, बट आपके अनेक हो ना एक ही हो. ठीक उसी तरह से पूरे कॉस्टिंग पे कॉस्ट मेटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, एक्सपेंसेस, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे, अलग अलग सिचुएशंस पे उसका अलग अलग नामकरण किया गया. जैसे मेरा रिश्ता अलग अलग बनाया गया है, सोनिया जी का रिश्ता अलग अलग बनाया गया है. यहां भी कॉस्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है. ये 2 क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये समझ जाएंगे तो कॉस्टिंग आपके दिमाग में सेट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग. क्योंकि अल्टीमेटली मेटेरियल लेबर एक्सपेंसिस छोड़ के कुछ है ही नहीं, बट उसी को अलग अलग जगह, जब हम लोग कंट्रोल के बात करते हैं तो कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, जब नॉर्मलिटी देखते हैं तो नॉर्मल कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट, जब बिहेवियर देखते हैं तब उसी को फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल बोलते हैं, जब नेचर बोलते हैं तब उसी को मेटेरियल लेबर एक्सपेंसेस बोलते हैं,
कॉस्ट सेंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, उसी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फंक्शन के लिए बोलते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और डिसीजन मेकिंग के लिए बोलते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट। है तो बस वही तीन, मेटेरियल लेबर और अदर देन मेटेरियल लेबर। इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, तो आप नाम समझोगे फिर इसमें यूज करने सीखोगे। जब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट, अभी सिलेबस पता नहीं है, जब लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में जाएंगे तब हमें यही चाहिए वेरिएबल फिक्स बोलकर, जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे तब यही चाहिए फंक्शन बोलकर। अलग अलग जगह अलग अलग, अल्टीमेटली एक ही है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो हम लोग को नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस चाहिए, तो अल्टीमेटली है तो एक ही बट अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग नाम। डिसीजन मेकिंग होगा तो रिलेवेंट कॉस्ट, इरिलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, है तो मेटेरियल लेबर एक्सपेंसेस ही, बट अलग अलग सिचुएशंस पे इसका अलग अलग नाम किया गया। तो हर एक सिचुएशंस पे डील करेंगे। इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कॉस्ट निकालने का, ये इतना सारा करने के बाद दो क्लासेस पे। इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, अभी कुछ नहीं करना है। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन दो दिन चलेगा, फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कैसे कैसे मेथड्स है, फिर टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के बाद आपका बेसिक्स पूरा, मतलब कॉस्टिंग में जितना भी कुछ होता है सब सीख लोगे। अब उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चैप्टर्स में घुस के सीखेंगे। तो पहला का चार क्लासेस वेरी वाइटल है, आप लोग स्टोर करना। कॉस्टिंग इज वेरी 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 इजी बट वेरी टेक्निकल, वेरी 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 इजी बट वेरी टेक्निकल। अकाउंट्स टैक्स में एक रूल होता है, ऐसे कर दो वैसे ही करना है, याद किया जा सकता है। कॉस्टिंग याद नहीं किया जा सकता है, समझा जा सकता है, याद होगा ही नहीं कॉस्टिंग, क्योंकि अभी इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट है, अभी दूसरी जगह बोल देंगे इनडायरेक्ट। टैक्स में एक बार जो बोल दिया एक बार वही, और ज्यादा बोलोगे तो बोलेंगे संसद जाओ। कॉस्टिंग में अभी हम डायरेक्ट बोलेंगे, अभी इनडायरेक्ट बोल देंगे। तो कॉस्टिंग आप लोग को टफ लगेगा बहुत अगर आप समझोगे नहीं, और इरेगुलर, आपके दोस्त तो कॉस्टिंग में कभी आपको नहीं बचा सकता है। अकाउंट्स टैक्स बचा देगा, ऐसा तो ऐसे ही है। कॉस्टिंग टैक्स में कोई वीडियो मतलब कोई मिस कर दोगे दोस्त यार से देखकर, ऐसे नहीं, मिस भी कर लेते हो तो अच्छा से वीडियो बैठ के देखना, ऐसे नहीं कोई दोस्त समझा दिया खुद समझ गया, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एक रूल बेस्ड नहीं है कॉस्टिंग, रूल बेस्ड नहीं है कॉस्टिंग, प्रैक्टिकल बेस्ड है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक लाइफ में अलग अलग दिन अलग अलग सिचुएशन होते हैं, एक ही टर्म को डिफरेंट डिफरेंट दिन डिफरेंट डिफरेंट तरीका से यूज करते हैं। अकाउंट्स में ऐसे थोड़ा ना बोलते उस दिन मन कहता है ऐसे बनाएंगे, आज मन करता है ऐसे बनाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट चार बताया है, ऐसे क्या लेजर चार तरीका से होता है ना, एक ही तरीका से। पीजीबी पढ़े होगे एक ही तरीका, तो एक ही तरीका। 44AD पढ़े होगे कल 8%, आज मन करता है 5%। कॉस्टिंग तो बोलेंगे आज 8%, कल मन करता है 5%, अलाउड है। तो कॉस्टिंग डिफरेंट है, अकाउंट्स और टैक्स भी उतना नहीं, बस आपको समझा देना होता है ठीक है, बट इसको अंदर से लेना होता है। आज यही रुक रहे, विल स्टॉप हियर।